हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे हमारी डेली लैंग्वेज में यूज होने वाले इडियम्स और फ्रेज के बारे में। तो दोस्तों, पहला इडियम है आल इन आल। आल इन आल मीन्स होता है होल एंड सोल, मीन्स सर्वे सर्वा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसका एग्जांपल लें तो हम इसको एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज़ आल इन द डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा पावर रखता है, वो आल इन आल होता है, मीन्स सर्वे सर्वा होता है। चलिए तो दोस्तों दूसरे इडियम में आते हैं, एट द सिक्सेस एंड सेवेंस। एट द सिक्सेस एंड सेवेंस मीन्स होता है इन डिसऑर्डर, मीन्स बेतरतीब। सारी चीज़ें जो डिसऑर्डर हों, बिखरी पड़ी हों इधर उधर, तो अगर इसका एग्जांपल लें तो योर चिल्ड्रन केम इनटू माय रूम एंड लेफ्ट ऑल माय बुक्स एट सिक्सेस एंड सेवेंस। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे मेरे कमरे में आए और मेरी सारी किताबों को बेतरतीब तरीके से इधर उधर बिखरा दिया या छोड़ के चले गए। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड में आते हैं हम, ऐड फ्यूल टू फायर मीन्स अग्नि में घी का कार्य करना, अर्थात उत्तेजना को बढ़ा देना। टू मेक द मैटर वर्स्ट, या मामले को बढ़ा चढ़ा के एक्सप्रेस करना। तो इफ़ वी टॉक अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम, देन द एग्जाम्पल विल बी द ऑफिसर वॉज ऑलरेडी वेरी एंग्री बट द डिसकॉर्टेस आंसर ऑफ रमेश एडिट फ्यूल टू फायर। ये देखिए यहाँ पे इडियम यूज हुआ है, एडिट फ्यूल टू फायर। अब नेक्स्ट वर्ड में हम आ जाते हैं, ऑल इन सनराइज मीन्स एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, प्रत्येक बिना किसी भेदभाव के। तो वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल, माय फादर इनवाइटेड ऑल एंड सनराइज ऑफ द लोकलिटी टू मैरिज पार्टी। मींस मेरे पापा ने सभी लोगों को मैरिज पार्टी में, जितने लोकल के लोग थे सभी को बुलाया मैरिज पार्टी में। और यहाँ पे जो ये ऑल एंड सनराइज इडियम यूज हुआ है, इसका मतलब ये है कि सबको बुलाया, किसी में भेदभाव नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला वर्ड शुरू करते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा एट वंस विट्स इंड। एट वंस विट्स इंड मीन्स होता है अचानक से आप कंफ्यूज हो जाना, या आप डिसऑर्डर हो जाना, चकरा जाना। ओके, तो टोटली कंफ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है हमारा, द थीप्स वर एट दियर विट्स इंड व्हेन दे सॉ द पुलिस कमिंग। चोरों के होश उड़ गए, चोर चकरा गए जब उन्होंने देखा कि पुलिस आ रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। लाइक ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड मीन्स होता है आपका ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। ये देखिए लिखा हुआ है, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक मीन्स ईमानदार तथा स्पष्ट। इसका एग्जांपल देखते हैं, ही इज ऑलवेज एबव बोर्ड इन हिज डीलिंग विद हिज कस्टमर्स। इसका मतलब होगा कि वह अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा डील करने में ईमानदारी दिखाता है। नेक्स्ट इडियम आता है हमारा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड आर बोन ऑफ कंटेंशन। इसको कह सकते हैं झगड़े की जड़, कह सकते हैं, इसका मतलब ही होता है झगड़े की जड़, काज ऑफ क्वेरल, काज ऑफ क्वेरल या झगड़े की जड़। इफ वी टॉक अबाउट एन एग्जांपल ऑफ द गिवन इडियम, देन द एग्जांपल विल बी, कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और हाँ, ये बात सच भी है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच एक बहुत ही बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन, और वी कैन से एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। तो हम नेक्स्ट इडियम की तरफ टर्न करेंगे, एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स ओपन इनमिटी या खुली शत्रुता या घोर शत्रुता या बिटर इनमीज। बिटर मीन्स बहुत तीखा होता है, तो बिटर वर्ड इसलिए यहाँ पे यूज किया गया, मतलब तीखा या घोर शत्रुता।
है ना। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो राणा प्रताप एंड अकबर वर एट डैगर्स टोन विद ईच अदर। राणा प्रताप और अकबर जो थे वो एक दूसरे से घोर शत्रुता रखते थे। अब हम नेक्स्ट इडियम वर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट इडियम हमारा है एन एप्पल ऑफ वंस आई। इसका मतलब हुआ वेरी डियर या किसी की आँख का तारा होना। जैसे सुधीर द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। सुधीर अपने मम्मी पापा अपने पेरेंट्स का अकेला बच्चा, उनकी आँखों का तारा है। अभी हम नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं, नेक्स्ट इडियम में आ जाते हैं। अगेंस्ट द रैनी डे मीन्स बुरे दिनों के लिए। ठीक है दोस्तों, बुरे दिनों के लिए, फॉर हार्ड डेज, फॉर ट्रबलिंग डेज, है ना। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये दिया हुआ है एवरी पर्सन शुड सेव समथिंग अगेंस्ट द रैनी डे। अभी नेक्स्ट वर्ड में हम आते हैं। तो एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ मीन्स एट ए डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी पे। द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू कीप हिमसेल्फ एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड वाइज। इसका मतलब सीधे सीधे निकल ही रहा है। द फादर एडवाइज्ड हिज सन, फादर ने अपने बच्चे को क्या किया, एडवाइस दिया या सलाह दिया क्या, बुरे लड़कों की संगत से, बुरे लड़कों से दूर रहने की संगत दी। अभी नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है 12 नंबर, एन एक्स टू ग्रेंड। ये देखिए दिया हुआ है एन एक्स टू ग्रेंड, पर्सनल एंड टू सर्व मीन्स अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसका एग्जांपल देखते हैं। पीपल डू नॉट ट्रस्ट दोज हु हैव एन एक्स टू ग्रेंड मीन्स लोग उन पर भरोसा नहीं करते हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अभी नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय पे। इफ़ यू बिगिन योर स्टडीज एट द 11th आवर यू कांट बी श्योर टू पास। मतलब क्या हुआ, यदि आप जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अंतिम समय पे एग्ज़ाम आने से एक दो दिन पहले करेंगे तो यू कांट बी श्योर टू पास, आप श्योर नहीं कह सकते हैं कि पास हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट वर्ड इडियम वर्ड आता है हमारा एट स्टोन्स थ्रो। ये देखिए इसका मतलब होता है पास, नियर। एग्जांपल लेते हैं इसका। योर अंकल लिव्स एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माय हाउस। आपके चाचा मेरे घर से बिल्कुल पास रहते हैं। ठीक है, स्टोन्स थ्रो मीन्स पास। अभी नेक्स्ट वर्ड की ओर टर्न करेंगे। एट लार्ज, एट लार्ज मीन्स फ्री। ये देखिए दिया हुआ है 15 नंबर, एट लार्ज, द प्रिजनर इज एट लार्ज आफ्टर टिपिंग द जेलर। तो इसका एग्जांपल था। दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको इंग्लिश में वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए, इटिमोलॉजी होना चाहिए आपके पास। अगर आपके वर्ड्स का कलेक्शन बहुत अच्छा है तो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप थ्रू आउट इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपको इंग्लिश में पारंगत पूरी तरीके से तो कोई नहीं होता, लेकिन हाँ इतना कुछ तो सिखा ही दूंगा कि आप इंग्लिश अच्छे से समझ सकेंगे, अच्छे से बोल सकेंगे। यू वुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन इंग्लिश। ओके, सो नाउ नेक्स्ट 16 नंबर है एट हैंड। एट हैंड मीन्स पास। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। माय कॉलेज इज जस्ट एट हैंड फ्रॉम माय हाउस। तो मेरा कॉलेज है वो मेरे घर से बिल्कुल ही पास है। अब देखिए यहाँ पे पास के दो सिनोनिम्स यूज, सॉरी दो इडियम्स यूज हुए थे, एट स्टोन्स थ्रो और एट हैंड। इनका दोनों का यूज एक ही है, इसका मीन्स भी नियर होता है और एट हैंड का मीन्स भी नियर होता है।
अभी हम आते हैं 17 नंबर में, एट रैंडम। देखो रैंडम, रैंडम वर्ड ही हम लोगों से फैमिलियर है, हम लोग रैंडम वर्ड बहुत अच्छे से जानते हैं। रैंडमली कोई कार हो जाता है, नहीं कहते हैं लोग कि रैंडमली मैं वहाँ जा रहा था, और आपने फेसबुक पे आजकल बहुत ही स्टेटस लगाते हैं लोग, देखा होगा रैंडम क्लिक, मीन्स अचानक से बिना किसी डिसीजन से, कि मैंने बिना किसी डिसीजन के या बिना कोई चीज़ सोचे समझे ये चीज़ कर डाली, मीन्स विदाउट एनी एम, बिना किसी टारगेट के, बिना किसी मोटो के। द सोल्जर्स फायर्ड दियर गन्स एट रैंडम, सोल्जर्स ने अपनी गन्स से बिना किसी टारगेट के अचानक से फायर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट बेड ऑफ रोजेज, मीन्स फूलों की सेज, या क्वाइट कंफर्टेबल, या पूरी तरीके से जहाँ पे कंफर्ट हो, लग्जरीनेस हो। तो द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एग्जांपल इसका हम देखते हैं, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ये देखिए दिया हुआ है, द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जो पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मीन्स ये कोई फूलों की सेज नहीं है, इसको चलाना आसान बात नहीं है। हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, द ड्यूटी ऑफ इंडियन आर्मी इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, मीन्स इंडियन आर्मी की जो ड्यूटी है वो एक फूलों की सेज नहीं है, उसको करना आसान बात नहीं है। कई सारे एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, इनका यूज ही किया जाता है डिफरेंट सेंटेंस को एक तरीके से उसमें अलंकारीकृत करने के लिए, सजावट करने के लिए। सेंटेंस को अगर सजाना है तो आपको इडियम और फ्रेज याद होने चाहिए, इडियम और फ्रेज अगर आप लगाते हैं तो आपका सेंटेंस बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है, मतलब देखने में अच्छा हो जाता है, ग्रामेटिकल तो रहता ही है और सेंटेंस की जो रेटिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इडियम है हमारा एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, ये देखिए सुव्यवस्थित रूप से। इसका अपोजिट इडियम एक यूज हुआ था, हमने देखा था ऊपर स्टार्टिंग पे, बिल्कुल दिखाते हैं आपको, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ये देखिए एट सिक्सेस एंड सेवेंस दो नंबर पे ये यूज हुआ था हमारा, एट सिक्सेस एंड सेवेंस मीन्स बेतरतीब, इन डिसऑर्डर। अब उसी का जस्ट अपोजिट हमारा नीचे है एप्पल पाई ऑर्डर, सुव्यवस्थित ढंग से, ठीक है दोस्तों। तो इन परफेक्ट ऑर्डरली अरेंजमेंट, इफ़ यू टॉक अबाउट एन एग्जांपल ऑफ दिस idiom, देन द एग्जांपल वुड बी सी कीप्स हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, वो अपनी बुक्स जो है वो सुव्यवस्थित ढंग से रखती है। या और एग्जांपल भी ले सकते हैं हम कई तरीके से। अभी नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, idiom वर्ड हमारा है ऑल ग्रीक एंड लैटिन, 20 नंबर सबसे लास्ट आज का, ऑल ग्रीक एंड लैटिन, लैटिन मीन्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत ही कठिन। तो हम एग्जांपल इसका ले सकते हैं, हिज राइटिंग इज़ ऑल ग्रीक एंड लैटिन, उसकी जो राइटिंग है उसका जो लेख है वो बहुत ही कठिन है समझने में, उसको समझा नहीं जा सकता, जैसे डॉक्टर्स की राइटिंग होती है ना बहुत ही ग्रीक एंड लैटिन होती है, उनको हम समझ नहीं सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे के idioms हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। दोस्तों अगर आपको ये idioms बिल्कुल भी पसंद आए हो, ज़रा भी पसंद आए हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप इससे कुछ सीखे हैं। और अगर आप और अच्छा सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठिए और नोट डाउन करिए, क्योंकि कॉपी और पेन पेन चलाने से आपका जो माइंड पावर होता है, विल पावर होता है, ये बढ़ता है। तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए ताकि उन तक भी ये चीज़ें पहुंच सकें जो आपने सीखी। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।